नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों को। बंगाल में कमल खिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय नेता बंगाल में जनसभा व रैली कर रहे हैं। पश्चिम वर्धमान जिले में 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। चुनाव आयोग ने प्रशासनिक अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 3 जिलों के डीएम को हटा दिया है। CMPF घोटालेबाजों को CBI कोर्ट में सजा। ECL की दुवेश्वरी कोयले डिपो में वार्षिक सर्वे में करीब 4000 टन कोयला शॉर्टेज को लेकर पूरा करने के लिए प्रबंधन इस शॉर्टेज को पूरा करने का जुगत भिड़ा रहा है। मिली खबर के मुताबिक ECL के सोदपुर एरिया की दुवेश्वरी कोयले डिपो में कोयला शॉर्टेज को पूरा करने के लिए कोयले के साथ पत्थरों को मिलाए जाने की खबर है। हालांकि इस सिलसिले में कोयलरी को प्रबंधक ने कुछ भी नहीं बताया। सोदपुर एरिया महाप्रबंधक JN विश्वाल से भी संपर्क साधा गया, परंतु उनसे बात नहीं हो सकी। निदेशक तकनीकी संचालन वी वीरा रेड्डी तथा CMD के तकनीकी सचिव नीलाद्री रॉय से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, पर किसी ने भी फोन नहीं उठाया। कोयलरी सूत्रों के अनुसार कोयलरी के अंदर से निकले पत्थरों को कोयले की माप के साथ काउंट नहीं किया जाता है, बल्कि यह पत्थर यही डिपो में पड़े रहते हैं, जिसके ऊपर से उत्पादित कोयले को डाल दिया जाता है। बाद में इस पर पानी से छिड़काव किया जाता है, जिससे ये पत्थर कोयले के साथ मिलकर कोयले का रंग ले लेता है, जो पकड़ में नहीं आता है। इसे डंपरों पर लाद कर संबंधित साइडिंग में भेज दिया जाता है। इस तरह से कोल शॉर्टेज को व्यवस्थित किया जाता है। मामला फिलहाल चर्चाओं में है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 एट दुर्गापुर। एंड फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट 9434-8222। बंगाल में कमल खिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय नेता बंगाल में जनसभा व रैली कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सातवें चरण में होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार के अंतिम समय में पश्चिम वर्धमान के आसनसोल में 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है। प्रधानमंत्री अपनी जनसभा के माध्यम से यहां ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए जनता को अपने पक्ष में करने के हुनर से पश्चिम वर्धमान में कमल खिलाने का प्रयास करेंगे। वहीं ममता बनर्जी केंद्र की नीतियों के खिलाफ और अपनी विकास योजनाओं को सामने रखकर जनता को लुभाने का प्रयास करेंगी। पश्चिम वर्धमान में कुल 9 विधानसभा सीट हैं। यहाँ पर अभी तक भाजपा का खाता नहीं खुला है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में आसनसोल में नरेंद्र मोदी ने जनसभा के दौरान जनता से भाजपा को जिताने की अपील की थी। जनता ने आसनसोल लोकसभा सीट से बाबू सुप्रियो को चुनकर संसद भेजा था। इसके पश्चात वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बाबू सुप्रियो ने फिर जीत दर्ज की थी। दुर्गापुर से भी भाजपा के SS अहुवालिया ने जीत दर्ज की थी, लेकिन जिले में अभी तक विधानसभा क्षेत्र में कमल नहीं खिल पाया है। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। प्रत्याशी भी प्रधानमंत्री की जनसभा के माध्यम से अपनी नैया पार लगाने की फिराक में है। आज रानीगंज विधानसभा के प्रत्याशी तापस बनर्जी ने आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने के लिए INTTUC के अनुरोध पर रानीगंज विधानसभा के अंडाल ब्लॉक के खंडारा कोलियरी में चुनाव कर कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया। যে ভারতের নেতাদের টাকা বিদেশে গচ্ছিত থাকে, সেই টাকা কেউ আজ পর্যন্ত আনতে পারেনি। কংগ্রেসিদের নাকি প্রচুর টাকা আছে বিদেশে, সেই টাকা মোদিজি এনে দেবে। এটা খুব ভালো কথা, দেশের টাকা সব বিদেশে রেখেছে, চুরির টাকা। তো সবাই আমরা ভাবুক হয়ে গেছিলাম যে যার টাকা দেবে ফিরে আসবে। 7 বছর হয়ে গেল, 7টা পয়সাও আসেনি, এবং সেই টাকাটা নিয়ে আমার আপনার ব্যাংকে 15 লক্ষ টাকা করে ঢুকে যাবে। বলছি ওই যে এত টাকা আছে,
ভারতবর্ষে এত জনসংখ্যার 15 লক্ষ টাকা দিয়েও আরো অনেক টাকা উপযুক্ত থেকে যাবে। এবং একটা পয়সাও ঢুকলো না, আপনিও জানেন আমিও জানি। আর চাকরি দুর্গাদাসবাবু বললেন 2 কোটি বেকারের চাকরি আজকে গল্প হয়ে গেছে। এবং একজন রাষ্ট্রীয় নেতাকে পরবর্তীকালে জিজ্ঞেস করা হয় যখন যে আপনি তো ভোটের সময় বলেছিলেন, তুমি বলছেন যে তুমি একটা ওই পদে থেকে বলা যায় যে জুলমা থা জুলমা কে আইনি আজি জুলমা মতলব জুমলা মতলব কে হতা হ্যায় ও জুমলা মানে এইসব হাসি মজাক মত বল দিয়ে মানে দেশ কো আদমি কো ভাবনা কে লিয়ে জো খেলোয়াড় করতে হ্যায় ও আজ মেরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হ্যায় উসি কুর্সি পর বাইক কেউ বলতে হ্যায় যে উসকো পাস ইসসে জ্যাদা স্কুল হম লোগ কা মানে আমরা আশা করতে পারি না। যাই হোক, আর মমতাবাই জি কি করছে আপনাদের পরিকল্পনা আছে? আজকে সব থেকে যেটা শঙ্কার কারণ, চিন্তার কারণ, সব থেকে ক্ষতি আসবে সব থেকে ওয়ার্কিং ক্লাসের উপরে। আমরা ভারতবর্ষে সবাই জানতাম কেউ যদি চাকরি পায় একটা পারমানেন্ট চাকরি বলে একটা কথা আছে। আগামী 2-4 বছরের মধ্যে, 2-3 বছরের মধ্যে পারমানেন্ট চাকরিগুলো আর কিছু থাকবে না, যেমন আমেরিকা ইংল্যান্ড ফ্রান্সে নেই, আমাদের দেশেও থাকবে না। সমস্ত কিছুই কন্ট্রাকচুয়াল, সমস্ত কিছু আউটসোর্সিং। আউটসোর্সিং আগে কম শুনতাম, এখন ঘাটে মাঠে বাইরে যেখানে যাবে দেখবেন আউটসোর্সিং। স্টার হেলথ এন্ড অ্যালাইড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কি তরফ সে আপকে লিয়ে ব্রাইট ক্যারিয়ার এন্ড অপরচুনিটি, ফুল টাইম এন্ড পার্ট টাইম, জিরো ইনভেস্টমেন্ট এন্ড মোর বেনিফিটস। ফর মোর ডিটেইলস প্লিজ কন্ট্যাক্ট আস। पश्चिम वर्धमान जिले में 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग भदौरिया टीएमसी और ममता बनर्जी को समर्थन देने रानीगंज पहुंचे। पंजाबी मोड़ से रानीगंज तक एक साइकिल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थक मौजूद थे। अनुराग भदौरिया के साथ इस दिन पश्चिम वर्धमान जिला तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष रुपेश यादव, उपाध्यक्ष सदन कुमार सिंह सहित तमाम स्थानीय टीएमसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर अनुराग भदौरिया ने कहा कि भाजपा के पास समाज को धर्म के नाम पर गंदी राजनीति करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास की गंगा बहाई थी, ठीक उसी तरह ममता बनर्जी भी बंगाल में विकास कर रही है। यही वजह है कि वह यह संदेश लेकर रानीगंज आए हैं कि समाजवादी पार्टी टीएमसी के साथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता अपने भाषणों में महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, महिला सुरक्षा पर बात नहीं करते, वह सिर्फ नफरत फैलाते हैं। चुनाव आयोग ने प्रशासनिक अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 3 जिलों के डीएम को हटा दिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम और पूर्व वर्धमान के अलावा दक्षिण दिनाजपुर के डीएम को हटा दिया है। पश्चिम वर्धमान के डीएम पुर्णेंदु मांझी की जगह अनुराग श्रीवास्तव को, पूर्व वर्धमान के डीएम अनाउर रहमान की जगह शिल्पा गोरी सरिया और दक्षिण दिनाजपुर के डीएम निखिल निर्मल की जगह सी मुर्गन को भेज रहे हैं। सीएमपीएफ घोटालेबाजों को सीबीआई कोर्ट में सजा। आसनसोल कोल माइंस प्रोविडेंट फंड सीएमपीएफ में हुए कोल श्रमिकों के खाते से 4 लाख के फर्जी घोटाले साबित हो जाने पर बुधवार को आसनसोल सीबीआई अदालत ने तत्कालीन सीएमपीएफ कर्मचारी डीएनपी यादव, दिलीप सेन गुप्ता, तत्कालीन हरिपुर पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर मंटू चरण मंडल एवं सिविलियन बीसी रॉय तथा अजय कुमार सिन्हा को हिरासत में लेकर पब्लिक करप्शन एक्ट 13(2) एवं 120B के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा एवं 1 लाख का जुर्माना का सजा सुनाई है। अभियोजन सूत्रों के मुताबिक साल 2001 में इन आरोपितों ने सीएमपीएफ में कोल श्रमिकों के फर्जी कागजात के आधार पर 4 लाख का लोन निकाला था। साल 2007 में इस घोटाले के पर्दाफाश होने पर सीबीआई ने जांच शुरू की थी एवं 14 साल के बाद यह मामला अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा तथा 30 गवाहों ने अदालत में गवाही दी। इस मामले की सजा सीबीआई जज जयश्री बनर्जी ने सुनाई एवं सीबीआई की ओर से राकेश कुमार ने पैरवी की थी। पांडेश्वर विधानसभा के अंतर्गत छोड़ा पंचायत के 7 पंचायत सदस्य तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले नव ग्राम पंचायत के प्रमुख
केंद्र पंचायत के साथ और बहुला पंचायत के दो सदस्य तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। पंचायत के प्रधान सहित सदस्यों के भाजपा में शामिल होने से राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र भाजपा नेता राज तिवारी एवं पांडेश्वर के उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी ने झंडा थाम कर सभी को भाजपा में शामिल कराया। इस दौरान ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के सुप्रदीप मुखर्जी और साहेब मुखर्जी भी भाजपा में शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने ममता बनर्जी एवं तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हारे हुए लोगों को लाकर मिक्स वेज बना रही है। बारवनी थाना अंतर्गत मदनपुर क्षेत्र में बीते 3 या 4 दिन पहले पुलिस ने 14 जिंदा बम बरामद किया था। गुरुवार की सुबह 11 बजे दमकल कर्मियों, पुलिस और एक बम डिस्पोजल की मौजूदगी में बम को डिफ्यूज किया गया। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी की वैधता पर सवाल उठाते हुए न्यू टाउन निवासी रिबू बोस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। शिकायत में लिखा है कि कृष्णेंदु मुखर्जी ने अपने नामांकन के हलफनामे में कुछ जानकारियां नहीं दी हैं। वह और उनकी पत्नी और भी कई कंपनी में डायरेक्टर हैं, जिसकी जानकारी हलफनामा में नहीं है। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने कृष्णेंदु को सशर्त जमानत दी थी, जिसमें उन्हें जिले प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसी सशर्त पर 4 मामलों में जमानत मिली थी, लेकिन वह जिले में खुलेआम घूम रहे हैं। आयोग उनका नामांकन रद्द करे। इस संबंध में कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने कोई जानकारी नहीं छिपी। आयोग अगर उनसे कुछ जानकारी मांगता है या सवाल पूछता है तो वह आयोग को जवाब देंगे। इसके पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि टीएमसी द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है या उसमें कोई त्रुटि है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने प्रचार में बाधा देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि प्रचार में बाधा देने वाले उन्हें कमजोर समझने की भूल ना करें। कोलकाता एवं आगरा कैंट तथा सियालदह एवं बिहार आनंद के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन। आसनसोल यात्रियों की सुविधा हेतु कोलकाता एवं आगरा कैंट के बीच साप्ताहिक तथा सियालदह एवं आनंद विहार हेतु सुपर फास्ट साप्ताहिक स्पेशल गाड़ियां परिचालित होंगी। 03167 कोलकाता आगरा कैंट स्पेशल साप्ताहिक दिनांक 15 अप्रैल 2021 से 26 जून 2021 तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को कोलकाता से 12:10 बजे खुलेंगी तथा दूसरे दिन आगरा कैंट 15:50 बजे पहुँचेंगी। यह गाड़ी आसनसोल स्टेशन पर उसी दिन 14:48 बजे पहुँचेगी और 14:50 बजे प्रस्थान करेगी। 03168 आगरा कैंट कोलकाता स्पेशल साप्ताहिक दिनांक 17 अप्रैल 2021 से 26 जून 2021 तक प्रत्येक शनिवार को आगरा कैंट से सुबह 5:10 बजे खुलेगी तथा दूसरे दिन सुबह 8:50 बजे कोलकाता पहुंचेगी। यह गाड़ी आसनसोल स्टेशन पर दूसरे दिन सुबह 4:45 बजे पहुंचेगी और 4:50 बजे प्रस्थान करेगी। 02329 सियालदह आनंद विहार सुपर फास्ट स्पेशल साप्ताहिक दिनांक 13 अप्रैल 2021 से 29 जून 2021 तक प्रत्येक मंगलवार को सियालदह से 13:10 बजे खुलेगी तथा दूसरे दिन आनंद विहार सुबह 8:40 बजे पहुँचेंगी। यह गाड़ी आसनसोल स्टेशन पर उसी दिन शाम 16:02 बजे पहुँचेगी और 16:07 बजे प्रस्थान करेगी। 02330 आनंद विहार सियालदह सुपर फास्ट स्पेशल साप्ताहिक दिनांक 14 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक प्रत्येक बुधवार को आनंद विहार से 20:20 बजे खुलेगी तथा दूसरे दिन शाम 16:35 बजे सियालदह पहुंचेगी। यह गाड़ी आसनसोल स्टेशन पर दूसरे दिन दोपहर 12:50 बजे पहुंचेगी और 13 बजे प्रस्थान करेगी। सिकंदराबाद दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस स्पेशल की रद्दगी। आसनसोल सिकंदराबाद मंडल में विद्युतीकरण कार्य एवं ट्रैक के लिंक करने के साथ तीसरी लाइन के निर्माण कार्य हेतु एन आई
PNI कार्य किए जाने के कारण 07007 सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस स्पेशल दिनांक 20 अप्रैल 2021 मंगलवार को रद्द रहेगी एवं 07008 दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस स्पेशल दिनांक 23 अप्रैल 2021 शुक्रवार को रद्द रहेगी। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें दिल से खेद है। आज का सुविचार, एक बेहतरीन शादी तब नहीं होती जब एक परफेक्ट कपल यानी पूर्ण युगल एक साथ होते हैं। यह तब होता है जब एक अपूर्ण युगल यानी एक इम्परफेक्ट कपल अपने मतभेदों का आनंद लेना सीखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।